मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पूजा सिंह, और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सनी कपूर जी के साथ, जिन्होंने रामायण, बजरंगबली, चंद्रकांता जैसी कई सारी टीवी सीरियल्स का निर्देशन किया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने कई सारी हिंदी फिल्म्स का निर्देशन किया है जो फिल्में रिलीज हुई। बट आज हम ना तो इनसे टीवी सीरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं और ना ही इनकी फिल्मों के बारे में, बल्कि आज हम इनसे इनकी एक्टिंग स्कूल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इनका एक एक्टिंग स्कूल भी है जिसका नाम है कलर्स एक्टिंग अकेडमी। तो चलिए एक छोटी सी मुलाकात करते हैं सनी कपूर जी के साथ। सर, आपका निर्देशन के साथ साथ एक्टिंग स्कूल खोलने का आइडिया कैसे आया सर? एक्चुअली काफ़ी सीरियल्स और काफ़ी फिल्म मैंने बनाई, और अक्सर मैंने देखा है कि कई लोगों में एक्टिंग के बहुत गुण होते हैं लेकिन वो टेक्निक नहीं समझ पाते जो एक फिल्म एक्टिंग के लिए ज़रूरी होती है, तो वो चूक जाते हैं। मैंने बहुत सारे कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया सीरियल में, फिल्म में, वो एक दो फिल्मों के बाद गायब हो गए। और कई बार मुझे ऐसा लगता था जब मैं सीरियलों में निर्देशन दे रहा था कि ये एक्टर बहुत अच्छा है, इसके अंदर है वो चीज़, लेकिन इसे ट्रेनिंग नहीं मिली इसलिए ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाया। और ऐसा कई बार हुआ भी है, उसमें से कुछ लोगों को मैंने राय दी कि मेरा एक्टिंग स्कूल नहीं था कि आप लोग एक्टिंग सीखिए, तो कुछ लोगों ने सीखी जो आज अच्छा मुकाम हासिल किया है, काफ़ी सीरियल्स उन लोगों ने किए हैं और लगातार आ रहे हो। जो लोग बोलते थे नहीं जी एक्टिंग तो कुदरत का देने, हमें तो अपने आप आ जाएगी, वो गायब हो गए, तो काफ़ी लोग गायब हो गए, काफ़ी लोग हैं अभी समझ कर रहे। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे एक एक्टिंग स्कूल खोलना चाहिए। ये बात है काफ़ी साल पहले की, 2005 के आसपास की। तब मुझे लगा कि ये जो एक्टर आते हैं अपना घर बार छोड़कर और टैलेंटेड होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक्टिंग स्कूल खोलूँगा जहाँ पर इन लोगों को ट्रेन करूँगा ताकि उनकी प्रतिभा का अच्छी तरह प्रदर्शन हो सके, सामने ला सके ये अपने करियर को। तो इसलिए मैंने तैयारी करी अपने एक्टिंग स्कूल की तब से, और पहले मैंने अपने आप को ट्रेन किया। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग स्कूल खोल रहा हूँ या खोलनी है मुझे, तो उसी दिन मैंने शुरुआत करी। मैंने वो बारीकियाँ और अपने अंदर डालना शुरू करी कि मैं एक्टर को सिखाऊंगा कैसे। कुछ एक्टिंग गुरुओं से मिला जिनके ऑलरेडी एक्टिंग स्कूल चल रहे हैं, उनके साथ रहा, कैमरे की बारीकियों को और इस वजह से समझने की कोशिश करी कि सिखाऊंगा क्या। और उसके बाद मैंने 10-12 साल बाद अपना एक्टिंग स्कूल शुरू किया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल लोगों का मानना है कि फिल्मों में आना है तो एक्टिंग स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था ना सर। पहले के एक्टर्स ने खुद को साबित किया है सर कि वो तो स्कूल जाते नहीं थे, तब तो होते भी नहीं थे शायद इतने, फिर भी उन्होंने खुद को सर साबित किया। यही कारण है कि तब एक्टिंग स्कूल ही नहीं थे। तो उस ज़माने में क्या होता था कि पहले तो हमारी जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उस ज़माने में अच्छे घराने के लोग यहाँ नहीं आते थे, क्योंकि फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था, तो जो भी आता था उसे काम मिल जाता था, या कभी कभी किसी को ज़बरदस्ती बनाया जाता था, और वो लोग ट्रेंड नहीं होते थे क्योंकि एक्टिंग स्कूल नहीं थे उस समय। तो काम ख़राब होता था, पिक्चरें फ्लॉप होती थी, कई प्रोड्यूसरों ने सुसाइड किया, कई के घर बिक गए, कई प्रॉब्लम्स आई, और सारा दोष जो है एक्टरों पे दे दिया गया कि एक्टर परफेक्ट नहीं था इसलिए फिल्म फ्लॉप। फिर धीरे धीरे थिएटर शुरू हुए, थिएटर बढ़ने लगे, तो लोगों ने फिर थिएटर के आर्टिस्ट लेने लगे कि चलो भाई, पहले जिनको इंट्रोड्यूस करते थे या फिल्मों में लाते थे उन्होंने तो बिल्कुल ज़बरदस्ती बनाया जाता था पहले तो, लेकिन आज ये जो थिएटर कर रहे हैं उनको तो इंटरेस्ट होगा, तो थिएटर के आर्टिस्ट आने लगे। फिर धीरे धीरे एक्टिंग स्कूल शुरू हो गए, और एक्टिंग स्कूल बढ़ते गए, और आज एक्टिंग स्कूल इतने बढ़ गए कि आज के जितने भी सफल कलाकार हैं, आप जिन पूरी इंडस्ट्री को देख लीजिए, जितने भी सक्सेस हैं सब ट्रेन हैं, भले वो अक्षय कुमार हो या वरुण धवन हो या टाइगर श्रॉफ हो या शाहरुख खान हो, सभी ट्रेन हैं। तो इसलिए आज ज़रूरी है, क्योंकि आजकल करोड़ों में भी फिल्में बन रही हैं, बहुत पैसा लग रहा है और वक्त नहीं है लोगों का, और ख़ासतौर से सीरियल में तो वक्त ही नहीं, उन्हें टाइम पर एपिसोड भेजना होता है, तो इसलिए वो सब ट्रेन एक्टर बनते हैं ताकि हमें वहाँ पर टाइम ख़राब ना हो। ट्रेन होता है जैसे सारी चीज़ें मालूम होती है, जैसे मालूम होता है कि ये लाइट्स होगी, ये कैमरा एंगल है, ये कोई स्टार मेरा यहाँ खड़ा है, ये मुझे ये पोज करूँगा तो मैं ऐसे आएगा, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा, ये ट्रेनिंग के दौरान जो सीख रहा होता है वो फटाफट काम कर जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग एक्टर सक्सेस होने लगे। तो फिल्मों में इसलिए कि भाई पैसा बहुत लग रहा है तो ट्रेनिंग चाहिए, पूरी फिल्मी माहौल को समझे, फिल्म टेक्निक को समझे, फिल्म एक्टिंग को समझे, और सीरियल में इसलिए कि भाई जल्दी काम करना है क्योंकि एपिसोड भेज जाए, इसलिए ट्रेनिंग एक्टर की आज बहुत जरूरत है। और सारे हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही चाहता है कि ट्रेन एक्टर मिले ताकि हमारा वक्त और पैसा बचे।
थैंक यू सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन लिखा, ये मेरे मन में भी डाउट था। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर आप अपनी एक्टिंग स्कूल में कैसे एक्टर्स को ट्रेन कैसे करेंगे सर, कुछ ऐसी आपकी? हम लोग एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो भी आता है प्रभावित हो जाता है, सीरियल से प्रभावित हो जाता है, तो हम लोग उसको कैमरा टेक्निक के साथ एक्टिंग करना सिखाते हैं कि कैमरे के सामने आपको कैसा करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायलॉग बोल दिया, डायलॉग आपने चार लाइन का बोल दिया और आप एक्टर बन गए। मेरा तो मानना है ही नहीं कि सिर्फ डायलॉग बोलना है। कई लोगों का मानना है कि डायलॉग बोल दिए तो हम एक्टर होते, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि डायलॉग बोलने से एक्टर बन सकता है। अगर डायलॉग बोलने से कोई एक्टर बन सकता है तो सबसे अच्छा एक्टर सेल्समैन होता है, जो गंजे को भी कंघी भी जाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। या बच्चों को भी अगर दस बार हम लोग पोएट्री याद करवाते हैं या डायलॉग याद करें, वो भी याद करें, लेकिन वो फिल्म एक्टर नहीं बन सकता। तो सिर्फ डायलॉग बोलना एक्टर नहीं होता। एक्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों की और ज़रूरत है, फेस एक्सप्रेशन, करेक्टर, पॉज, कैमरा एंगल ध्यान में रखना, लाइट ध्यान में रखना। तो हम लोग पूरे टेक्निकल प्रैक्टिकल सिखाते हैं, वॉइस। तो हम लोग शुरुआत जो करते हैं वो फेस एक्सरसाइज से करते हैं ताकि आपके एक्सप्रेशन पे रहे, डायलॉग से बात नहीं करते। फिर वॉक, फिर माइंड एक्टिंग। तो इस तरह एक एक पार्ट हम लोगों ने बांटा हुआ है, हम लोग वहाँ करते हैं। डायलॉग का स्तर तो चौथे पांचवें नंबर पे आता है। उसके पहले हम लोग आदमी को इतना ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि जब वो आपके ऑफिस में आए या कहीं आपको मिले तो आप देख के बता दें कि ये फिल्म एक्टर है, आपके बिना बोले। तो हम लोग बॉडी में वो एटीट्यूड और एक्टर में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें डालते हैं ताकि देख के ही पता चल जाए कि एक्टर है। और उसको हर तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर आप सीरियल में जा रहे हो तो आपको फटाफट काम कर रहे हो तो आपकी वो आदत भी होनी चाहिए। फिल्म में जा रहे हो, सटल एक्टिंग कर रहे हो, कमर्शियल एक्टिंग कर रहे हो, लाउड एक्टिंग कर रहे हो, स्टाइलिश एक्टिंग, आज कौन सा डायरेक्टर आपको कहाँ क्या मिलेगा कुछ पता नहीं होता। कोई डायरेक्टर मिलेगा बोलेगा सटल एक्टिंग चाहिए, कोई बोलेगा कि मुझे लाउड एक्टिंग चाहिए, कोई बोलेगा मुझे स्टाइलिश एक्टिंग चाहिए। तो हम लोग एक्टर को हर तरह से ट्रेन कर देते हैं कि आपको जो भी डायरेक्टर मिले जैसा वो चाहता है वैसा कर देते हैं। तो हम लोग का प्रैक्टिकल ज़्यादा ध्यान देता है क्योंकि कैमरे के सामने वो फेल ना हो, वो कैमरे को देख के समझ जाए कि अब मुझे क्या करना है, और इसी से काम उनके अच्छे बनते हैं। तो ये थी छोटी सी मुलाकात सनी कपूर जी के साथ। अगली बार फिर से हम किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय।